और डेसिमल के बारे में जोड़ और घटाने सीखेंगे, और लास्ट तक वीडियो में बने रहें क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी सीखेंगे। सबसे पहले एडिंग देख लेते हैं, मतलब जोड़ देख लेते हैं, दशमलव का जोड़ कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई एक संख्या दी हुई है दशमलव की, दो संख्याएं हैं, पहला क्वेश्चन एक लेते हैं, क्या लिख सीखने हैं पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जोड़। जोड़ और जोड़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 63.04 और इसमें ऐड करना है या जोड़ना है 45.021, ये ऐड करना है। ओके, तो इसको हम ऐड करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही, हल करेंगे तो पहले एक संख्या लिखेंगे 63.04, अब इसमें ऐड क्या करना है 45.021। तो हमको देखना यह है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और दशमलव के बाएं साइड के अक्षर, बाएं साइड की संख्याएं बाएं साइड और दाएं साइड की संख्याएं दाएं साइड। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और फिर ये बाएं साइड में 5 और 4 ऐसे इधर से लिखेंगे, उल्टा उर्दू में जैसे लिखा जाता है पीछे से, इसीलिए लिखेंगे इधर से दशमलव से स्टार्ट करेंगे, 4 5 ऐसे लिखेंगे, ये नहीं 5 4 ऐसे नहीं लिखना है, 4 5 ऐसे लिखेंगे, फिर 0 2 1 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखो जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक किस में ऐड करें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 0 मान लेंगे क्योंकि दशमलव के इधर 0 चाहे जितने लगा लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर की खेती है, चाहे जितने 0 लगा लो। अब 0 में एक ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 4 2 6 और 0 का 0 दशमलव लग जाएगा, 5 3 8 6 4 10, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार हम दशमलव को ऐड करना ऐड करेंगे। चलिए अगर एक और ले लेते हैं क्वेश्चन दशमलव का ही ऐड का, जैसे लिखा हुआ है 78.4 प्लस 9.006 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए फिर वही करना क्या है, सबसे पहले किसमें ऐड करना है, तो 78.4 क्या ऐड करना है, 9.006, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट मतलब दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव की बाएं साइड की संख्या बाएं साइड, दाएं साइड की संख्या दाएं साइड, 006 फिर 8। अब यहाँ आप देखो 6 किसमें जोड़े, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ 0 मान लेंगे, यहाँ पर भी 0 मान लेंगे। तो अब जब जोड़ेंगे यहाँ पर 0 हमने अलग से लगा लिए हैं, अब 6 में 0 जुड़ा तो 0 6 ही आ जाएगा, और 0 का 0 6 का 4 ठीक, और ये दशमलव का दशमलव, और 9 और 8 17 17 का 7 हासिल आया, 1 और 1 और 7 8, तो ये इसका आंसर। यहाँ पर 0 लगा लेंगे ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर 0 मान लेते हैं, दशमलव के इधर 0 का कोई महत्व होता नहीं। जैसे अगर लिखा हुआ है 0.660 तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.6 ठीक, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, चाहे जितने 0 लगे हों, और अगर 0.6 लिखा हुआ है तो इसको हम 0.60 भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको दशमलव एडिंग ऐसे ही करना, बस इतना ध्यान रखना कि दशमलव के दाएं साइड की संख्या दाएं और बाएं साइड की संख्या बाएं और करके ही जोड़ते हैं। आप लोग हम लोग देखेंगे कि घटाना कैसे होता है दशमलव का, क्या देखेंगे, घटाना सबट्रैक्टिंग, क्या देखेंगे, सबट्रैक्टिंग देखेंगे। तो घटाना देखने के लिए सबसे पहले एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हो समझने के लिए, 0 को लिया हमने 65.06 माइनस 65.04 ठीक, ये क्वेश्चन लिया। तो घटाना के लिए हमको पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है। तो यहाँ पर देखो 65 बड़ा है और 62 छोटा है, तो हम बात है 65.6 तो 65 रुपये बड़े हैं, 62 छोटा है, तो 65 से 62 को घटा देंगे, और वो घटाना भी है तो 65.06 और माइनस क्या है पॉइंट के नीचे 0.04 और ये माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट, और 5 में से 2 गया 3, 6 में से 6 गया 0, तो ये आ गया आंसर, समझे, ये आ गया आंसर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पर जो 65 दिया हुआ है
और यहाँ पर भी 65 ही दे दिया जाए, यहाँ पर भी 65 दे दिया जाए, तो जहाँ भी 65 दिया। अब कौन सी संख्या बड़ी है तो कैसे देखेंगे, तो ये तो दोनों संख्या हो गई बड़ी, तो हमको पता नहीं चला कौन सी बड़ी है, तो हम ये जो दिया हुआ 0.6 और ये 0.4, तो ये देखेंगे 6 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है 0., अब इसे 6 है लिखा हुआ है, 0.6 लिखा हुआ, तो 0.6 बड़ा होगा 0.4 से, आम बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 65 0.6 और माइनस कर देंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 65 6 0.4, तो यह जगह 2 0., और ये 0.0 ये आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव के इधर भी जीरो का महत्व नहीं होता है। ठीक, एक जीरो लगाते हैं उसके बाद कोई जीरो महत्व नहीं, हाँ होता है जब, होता है जब क्या हो, आगे संख्या कोई दी हो, ऐसे लिखा हो 0.00 और यहाँ कोई संख्या लगा दें तो दशमलव महत्व है, अन्यथा जीरो का महत्व कोई नहीं है। चलो और इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद मान लो ये जो 65.6 दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे दिया हो, ये ऐसे ना दिया होकर इस तरीके दिया हो, यहाँ पर 6 की जगह पर क्या दिया हो, 2 दिया हो, और यहाँ पर दिया हो 17, कितना दिया हो 17। आप देखो इसमें कौन संख्या बड़ी है, 65.2 के 65.17, तो सर जी 65.2 लिखा है, 65.17 तो 65.17 ही बड़ी होनी चाहिए, ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए किससे, ये बड़ी होना चाहिए किससे, बड़ी होनी चाहिए 65.2 से, लेकिन ये गलत है, ये संख्या बड़ी नहीं है, संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या 65.2 बड़ी है 65.17 से, 65.2 बड़ी है 65.17 से, कैसे बड़ी है वो आप देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो संख्या है 65.2 है और ये 65.17 है, तो यहाँ पर देखो जो पॉइंट के इधर जो पद हैं वो कितने हैं, एक है, कितने पद हैं पॉइंट के इधर, पद कितने हैं एक, और इधर पद कितने हैं दो, जब इधर पद एक है इधर दो पद हैं, तो तुलना जब हम करते हैं तो पॉइंट के जब दशमलव वाले, तो दशमलव के इधर जो संख्या होती है इधर भी उतने ही पद होना चाहिए जितने पद इधर हैं, अगर यहाँ दो पद हैं तो यहाँ पर भी हमको दो पद बनाना है, तो चलो क्या करेंगे 65.2, अब यहाँ पर दो पद बनाने के लिए क्या कर लेंगे 0.1 बढ़ा लेंगे, क्योंकि जीरो घर की खेती है, जाए जितने लगा लो, और माइनस 65.17, अब देखो कौन बड़ा है, दिखने लगा 65.20 लिखा हो या 17, ये बड़ा है, बस घटा दो बस उसमें क्या, 65 में से 65 घट जाएगा 20, देख लो ऐसे भाई 17 65 65 में से 65 घट जाएगा, जीरो ही आ जाएगा कुछ नहीं, इधर इधर देखो अपना क्या आ गया, ये 10 में से 7 गया 3, और ये 1 में से 1 गया 0.0, मतलब 0.03 आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका।